Hey you my YouTube family, I hope you guys will be fine. So आज की वीडियो में आप देख रहे हैं ये अफोर्डेबल foundations जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है और इनका वर्क बेस्ट है. एंड आप ढूंढ रहे हैं कोई फुल कवरेज अफोर्डेबल फाउंडेशन जिसकी स्ट्रेंथ पावर भी जबरदस्त हो, तो ये वीडियो आपके लिए है. सो स्टे कनेक्टेड. तो फर्स्ट फाउंडेशन में दिखाना चाहूंगी फिन्स जो कि है मीडियम टू फुल कवरेज और इसकी स्ट्रेंथ पावर बहुत जबरदस्त है, फुल कवरेज है. आप इससे इजिली पार्टी एंड ब्राइडल मेकअप कर सकते हैं. मेरे पास शेड है 2, इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, आप लोग शेड्स चेक कर लीजिएगा. मैं आपको जल्दी जल्दी से स्वाच भी करके दिखा देती हूँ. फिन्स फाउंडेशन की कवरेज मीडियम टू फुल है, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट फाउंडेशन है, टोटली मैट है. तो ये मैं आपको यहाँ पे स्वाच करके दिखाती हूँ. ये शेड है 2, इसके बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, ये देखें. इसकी ब्लेंडेबिलिटी बहुत ही क्रीमी है. एंड सेकेंड फाउंडेशन मिस रोज प्रोफेशनल मेकअप प्योरली नेचुरल फाउंडेशन. ये फाउंडेशन आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी. ये कॉम्बिनेशन 2 ड्राई स्किन के लिए है, ठीक है, ऑयली स्किन के लिए नहीं है, ऑयल बेस्ड फाउंडेशन है, ठीक है. और इसका शेड है मेरे पास फेयर. ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसकी कवरेज है लाइट टू मीडियम, फुल कवरेज नहीं है. इन सब में बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं आपके, आपने यही शेड्स नहीं लेने. जो आपकी स्किन टोन है आप वैसा ही फाउंडेशन का शेड लेंगी, या आप एवरीडे के लिए यूज़ कर सकती हैं या पार्टी मेकअप में यूज़ कर सकती हैं. एंड सेकेंड फाउंडेशन है हमारे पास ये हर्बलाइट का मूज फाउंडेशन, ठीक है. इसका शेड है मेरे पास 45. एंड ये फाउंडेशन क्रीमी है, ऑयल बेस्ड भी है एंड मैट भी हो जाता है. आप पाउडर से सेट करती हैं तो मैट हो जाता है. ये ऑल स्किन टाइप है, ठीक है. ये फाउंडेशन ऑयल बेस है, ये कॉम्बिनेशन 2 ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है. ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पाउडर के साथ अच्छे से सेट कर देना है. कंसिस्टेंसी बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है एंड फुल कवरेज है, ठीक है. आप इसको इजिली पार्टी टू ब्राइडल मेकअप में यूज़ कर सकती हैं. एंड नेक्स्ट फाउंडेशन इज कवर इफेक्ट्स, ठीक है. ये कस्टम ड्रॉप्स हैं, आप इसको फाउंडेशन में भी यूज़ कर सकते हैं एंड वैसे भी यूज़ कर सकते हैं. ये लाइट टू मीडियम कवरेज है, ठीक है. इसका टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं है. ये भी मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है. एंड कवर इफेक्ट्स का ये फाउंडेशन है कॉम्बिनेशन 2 ड्राई स्किन वालों के लिए, ठीक है. ये ऑयल बेस्ड फाउंडेशन है एंड इसकी कवरेज है मीडियम टू फुल. एंड नेक्स्ट फाउंडेशन है हमारे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का ये रेडियंट फाउंडेशन लॉन्ग वेयर मैट फिनिश. ये भी है कॉम्बिनेशन 2 ऑयली स्किन के लिए, जो कॉम्बिनेशन स्किन बेस्ट रहती है. हर तरह के फाउंडेशन उस पर सूट करते हैं, लेकिन ऑयली एंड ड्राई स्किन के फाउंडेशन अलग अलग से होते हैं. एंड ये फाउंडेशन लाइट टू मीडियम कवरेज है, फुल कवरेज नहीं है. जो लोग कहते हैं ये फुल कवरेज है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती. और इसका टेक्स्चर जो है ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी है इसकी. एंड इसका शेड है मेरे पास 06 बेज, ठीक है. ये लाइट टू मीडियम है एंड ऑयली स्किन के लिए है, क्योंकि ये मैट फाउंडेशन है. ये एवरीडे यूज़ के लिए बेस्ट है एंड ये पार्टी मेकअप में आप इसको यूज़ कर सकती हैं, ब्राइडल मेकअप में यूज़ नहीं कर सकती. ब्राइडल मेकअप में आप इसको इस तरह यूज़ कर सकती हैं कि पहले स्टिक लगा दी, उसके बाद ऊपर आप फाउंडेशन लगाएंगी. ये मेथड भी मैंने बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी तो मेरी सारी वीडियोस में सब कुछ मैंने दिखाया हुआ है, आप लोग देखें वहाँ पे किस तरह का मेथड है. एंड ब्यूटीफाई बाय आमना के इस फाउंडेशन की भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन लेंगी. नेक्स्ट फाउंडेशन है हमारे पास मिस रोज का ये सिल्क फाउंडेशन. मिस रोज का ये वाला फाउंडेशन जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने बताया हुआ है कि ये फाउंडेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है. ये है कॉम्बिनेशन 2 ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फाउंडेशन है, टोटली मैट है और इसकी कवरेज एंड स्टेबिलिटी एंड ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज भी नहीं होती, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है. देन नेक्स्ट फाउंडेशन है हमारे पास एलिजन ब्यूटी का अल्ट्रा HD फाउंडेशन, ठीक है. ये भी है कॉम्बिनेशन 2 ऑयली स्किन के लिए. इसका शेड है मेरे पास नेचुरल. ओके, इसका फार्मूला भी क्रीमी है, मीडियम टू फुल कवरेज है एंड अफोर्डेबल प्राइस में ही आ जाता है. देन इस वीडियो का लास्ट फाउंडेशन है गैबरेनी डर्मा मेकअप कवर फाउंडेशन. ये मैट फाउंडेशन है, ये कॉम्बिनेशन 2 ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फाउंडेशन है, ठीक है. इसकी कवरेज है मीडियम टू फुल कवरेज, ठीक है, फुल कवरेज आपको देती है. ये आप इजिली पार्टी टू ब्राइडल मेकअप में यूज़ कर सकती हैं. ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, मेरी फेवरेट रह चुकी है ये फाउंडेशन और अब तक भी है. तो डिफरेंट फाउंडेशन आते हैं तो डिफरेंट फाउंडेशन भी यूज़ करने होते हैं, एक ही फाउंडेशन पे बंदा नहीं रुक सकता. एक तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़बरदस्त है,
ये क्रीमी फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाती है और ये आपको टोटली फुल कवरेज देती है। स्टेइंग पावर इसकी बहुत ज़बरदस्त है। ओके, सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं। एंड बहुत ही जल्दी मिलते हैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।